नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे की कमाई में देखा जा रहा है उछाल। 5 दिनों में कमा लिए है इतने करोड़ कि आप भी हो जाएंगे हैरान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सोमवार को ठाकरे ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि इस फिल्म ने मंगलवार को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे ने अब तक 26 करोड़ कमा लिए हैं। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन की फिल्म ठाकरे के मराठी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक अच्छा कारोबार किया है। इस फिल्म ने रिलीज के दिन यानी कि शुक्रवार को 6 करोड़ की ओपनिंग दी थी। शनिवार को इस फिल्म ने 10 करोड़ कमाए थे, जबकि रविवार को ठाकरे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 7 करोड़ के पार रहा। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे का बजट करीब 30 से 40 करोड़ के बीच था। इसके अनुसार फिल्म ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी लागत निकालने के बेहद करीब है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे महाराष्ट्र में अच्छा बिजनेस कर रही है और दर्शकों को भी बेहद पसंद आ रही है। हालांकि ठाकरे की सफलता का जश्न नवाजुद्दीन ने भी अभी हाल ही में मनाया था। नवाजुद्दीन ने सीक्रेट गेम्स 2 के सेट पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ सक्सेस पार्टी को एंजॉय किया। फिल्म ठाकरे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को देख लोग सिनेमा घरों में खिंचे चले आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के जीवन पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में काफी क्रेज है। हालांकि मणिकर्णिका के साथ रिलीज होने की वजह से ठाकरे को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के प्रशंसक इस फिल्म को देखना बेहद पसंद कर रहे हैं। क्रिटिक्स की माने तो नवाजुद्दीन की एक्टिंग को बेहद सराहा जा रहा है और एक बार फिर से नवाजुद्दीन ने ये साबित कर दिया है कि वो वर्सटाइल एक्टर है और वो हर किरदार को निभाने में माहिर है, चाहे कोई भी किरदार हो। और जिस तरह से इस फिल्म में उन्होंने बाला साहब ठाकरे का गेटअप लिया है और उनके अंदाज को फॉलो किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ साथ अमृता राव का भी बेहद चुनौतीपूर्ण रोल है। ठाकरे में अमृता बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे की भूमिका को अदा कर रही हैं और इस फिल्म ने अब तक 26 करोड़ की कमाई करके ये साबित कर दिया है कि ये फिल्म भी अच्छी फिल्मों की लिस्ट में ही शुमार है और नवाजुद्दीन भी किसी एक्टर से कम नहीं है। बहरहाल अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में कितना इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।